परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सचम सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है सहजता, सजगता और समता की साधना हम कैसे करें, हमारे अंदर सहजता का विकास कैसे हो, सरलता का विकास कैसे हो, समता का विकास कैसे हो, इसके लिए हमें क्या प्रयोग करने चाहिए, उसके लिए ध्यान कितना हमारे लिए उपयोगी है, तो उसके लिए हम ध्यान का प्रयोग कैसे करें, तो इस विषय पर आज हम बात करेंगे और ध्यान भी करेंगे। सहजता, सरलता और समता, इनका विकास जितना ज्यादा होगा हमारे अंदर, देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं बिल्कुल सरल होते हैं, उनके मन में कभी भी किसी तरह का छल कपट नहीं होता है, बच्चों में सरलता, तो वैसी सरलता हमारे अंदर हमेशा बनी रह सकती है। अगर हम इन गुणों का विकास कर ले तो हम अपने जीवन भर हम सरलता में रह सकते हैं, छोटे बच्चों की तरह सरल बने रह सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी आज की जो स्पीकर है, जो ट्रेनर है, मंजू जी शिपानी हमारे साथ जुड़ चुकी है, मैं मंजू जी से निवेदन करना चाहूंगा। मंजू जी आप आज का सेशन प्रारंभ करें और आप सभी से निवेदन, मंजू जी का स्वागत ओम अरहम के साथ, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, करें ओम अरहम मंजू जी। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड सुप्रभात। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो इस क्लास से जुड़े हुए सभी साधक जिनका ध्यान और योग में विशेष रुचि भी है और नियमित जो अभ्यास भी करते हैं, तो हम नियमित अभ्यास करते हैं लेकिन कभी कभी ध्यान एक ऐसी चीज है, हमें लगता है अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, हमारे भीतर ध्यान क्यों नहीं उतर रहा है। तो बहुत लोग हैं जिन बिल्कुल गहरे ध्यान में जाते होंगे, नियमित अभ्यास कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं उनको इंगित करते हुए आज की क्लास मैंने रखी है कि हम किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें कि हम में ध्यान उतरे। तो ध्यान साधना है सहजता की, सजगता की और समता की। सहज, हम जो है जैसे हैं सहज हो जाएं। आपको ध्यान के लिए कहा जाता है ये करें, वो करें, ऐसे करें, वैसे करें, ये फिर क्या होता है कि हम उस करने पे केंद्रित करना शुरू कर देते हैं अपनी चीज को कि हमें ऐसे करना है, जबकि ध्यान तो प्रक्रिया ही है कुछ नहीं करने की। जो कर 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 करने वाली जो चीज हमारे भीतर है उससे थोड़ी देर के लिए हट जाएं और अपने स्वभाव में स्थित हो जाएं, क्योंकि हम हमारा अस्तित्व क्या है, आत्मा, और आत्मा शुद्ध आत्मा न कर्मों की करता है न भोगता। आत्मा का स्वभाव केवल जानना और अनुभव करना है, वो करता या भोगता है नहीं, लेकिन कर्मों के साथ मिलकर वो करता भी हो गई है और भोगता भी हो गई। तो हमारा सहज स्वरूप क्या है, अकर्ता अभोक्ता। हम सहज हो जाएं, अब यहाँ अकर्ता अभोक्ता होना तो संभव नहीं क्योंकि कर्मों के साथ है, शरीर के साथ है,
तो जब हम ध्यान साधना के लिए प्रस्तुत होते हैं तो सबसे पहली शर्त है हम सहज हो जाएं। अगर हम आपको ये कह रहे हैं कि ये मुद्रा लगाइए, ये आसन लगाइए, वो सिर्फ इसलिए कि ये मुद्रा और ये आसन अगर आप बैठते हो तो आप लंबे समय तक टिक पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप शारीरिक दृष्टि से स्टार्टिंग में शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हो उस तरह से बैठने के लिए तो आप जबरदस्ती बैठो, बिल्कुल। अगर आप जबरदस्ती किसी भी तरह से अपने साथ करते हो वहां ध्यान हो नहीं सकता। ध्यान का मतलब ये सहज हो जाना। तो हम स्टार्टिंग करते हैं हम आसन और मुद्रा से। कोई व्यक्ति है वज्रासन में कंफर्टेबल है, कोई सुखासन में है, कोई पद्मासन में है, या कोई कुर्सी पे बैठकर कंफर्टेबल है, कोई खड़े खड़े ध्यान करके कंफर्टेबल है, तो आप बिल्कुल सहज होके उसी स्थिति को स्वीकार करें। और लंबे समय तक हम स्थिर रह सकें इसके लिए जरूरी है हमारा शरीर स्वस्थ हो और शक्तिशाली हो। अगर स्वस्थ नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है, तो हम लंबे समय तक एक पोस्चर में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी आदत नहीं है। आज हमारे जैन धर्म में हम जब कभी भी साधु संतों के साथ जाते हैं हमें क्या कहा जाता है, एक समाई करिए डेली, है ना। एक समाई यानी 48 मिनट्स स्थिर रहना। समाई में भी बार बार आसन बदलना ये सही नहीं, अशुभ भावों में आ जाना सही नहीं, सावध्य प्रवृत्ति करना उसका हम त्याग कर लेते हैं। तो एक समाई का बहुत ज्यादा उपयोग है, सबसे पहले कि हम 48 मिनट्स तक स्थिरता से और शुभ भावों में रह सकें। और ये दोनों ही शर्तें हैं आपकी ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए। तो सबसे पहले हमारा ये कि हम सहज हो जाएं। जब हम सहज रहेंगे तभी हम अपनी आत्मा का अनुभव कर पाएंगे, अपने आत्म स्वरूप में रह पाएंगे। तो सहज, किसी भी चीज की कोई जबरदस्ती नहीं, सहज होके बैठ जाना। जितनी देर स्टार्टिंग में आप बैठ पाओ, 5 मिनट 10 मिनट, जब भी आप अपने शरीर के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दोगे आप ध्यान में नहीं रह पाओगे, बिल्कुल नहीं। फिर आप केवल शरीर को साधने में लग जाओगे, उस पोस्चर को साधने में लग जाओगे। और हमारा लक्ष्य पोस्चर को साधना नहीं है, केवल स्थिरता साधना नहीं है, हमारा लक्ष्य है आत्मा की अनुभूति करना। तो सबसे पहला बिंदु हुआ सहज होना, अपनी आसन, अपनी मुद्रा, अपनी ध्वनि। ध्वनि आप महाप्राण ध्वनि कर पाते हो, ठीक है, ओम की कर पाते हो, ठीक है, अरहम की कर पाते हो, ठीक है, जबरदस्ती नहीं। जितनी लंबी आप कर पाते हो ठीक है, जितना लंबा श्वास ले पाते हो ठीक है, कहीं कोई जबरदस्ती नहीं। जो करना है सहज रूप से करना है, और सहज रूप से करते करते क्या होगा, आपकी जो है स्थिरता भी बढ़ने लगेगी, श्वास भी धीरे धीरे लंबा होगा। आप चाहते हो कि एक दिन में मैं श्वास को लंबा कर लूं, मैं एक मिनट में 3 ही श्वास लूं, 2 ही श्वास लूं, तो ये संभव नहीं है। ये जबरदस्ती होगी, वो न शरीर के लिए सही है और न ही आपकी आत्मा के लिए, दोनों के लिए सही नहीं होगी। तो ध्यान के लिए पहला है सहज हो जाना, और ये आप सारे दिन में कर सकते हो ये प्रक्रिया। जब भी खाली बैठ रहे हो शरीर को सहज रूप से स्थिर कर दो। लेकिन और दूसरी शर्त है सजग। बहुत बार हम जैसे ही आते हैं थक जाते हैं, हम गिर जाते हैं बेड पे या ऐसे होके बैठ जाते हैं, लेकिन कभी आप अगर सजग हो गए तो आप ध्यान रखोगे कि आपका पोस्चर सही है या नहीं। आप जिस पोस्चर में लेट रहे हो, बैठ रहे हो या आराम करना चाह रहे हो, क्या वो पोस्चर आपके लिए सही है, ये जानकारी होना जरूरी है। हम बिल्कुल, हम एक यंत्र की तरह जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल सजगता नहीं है, हम लेटे हुए, हमें ध्यान ही नहीं है कि हमारा पोस्चर सही है या नहीं। हम बैठ रहे हैं तो हमें ध्यान नहीं हमारा पोस्चर सही है या नहीं। तो पोस्चर सही होने की सबसे पहली शर्त है रीढ़ की हड्डी को सीधा रहना। आप बैठे हो, लेटे हो, खड़े हो, आपकी रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा मत करिए। और अगर रिलैक्स होना चाहते हो तो कंधे स्टिफ नहीं होनी चाहिए, कंधे बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रहने चाहिए। तो ये दो सजगता अगर आप अपने प्रति रखते हो पोस्चर के समय, लेटने में, बैठने में, खड़े होने में, तो ये दो जो ये दो पॉइंट्स है ये आपको पोस्चर को सही करेंगे, आपको रिलैक्स होने में मदद करेंगे, आपको सहज, आपके शरीर को सहज होने में मदद करेंगे। पर यकीन करिए अगर शरीर स्वस्थ है ना तो मन भी स्वस्थ रहेगा, भाव भी सही रहेगा ना।
आप देखोगे कमजोर व्यक्ति को क्रोध ज्यादा होता है, कमजोर व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। रोग अगर घेर लेते हैं तो हमारे भावों में भी शुद्धि नहीं रहती है, हम नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं। कोई हमारी बात मानता है तो हमें लगता है हम उस पे बोझ हो गए हैं, वो हमारी सेवा करना नहीं चाहता, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो शरीर की स्वस्थता हमारी एक पहली शर्त है, और इसके लिए जो आवश्यकता है वो है सजगता की। हम सहज रहें, सजग रहें, और ये सहजता और सजगता जैसे जैसे हमारी जीवनचर्या में आएंगी, जब आप ध्यान करने बैठोगे तो आपके भीतर ध्यान भी उतरेगा। हम अगर सजग हैं, हमने अगर श्वास को अपना आलंबन बनाया है तो हम सजग रहेंगे, हम कितनी देर श्वास के प्रति जागरूक रहे। अब श्वास हट गया तो कब हमारे भीतर विचार आया, जैसे ही वो विचार आया अगर सजगता है तो हम क्या कहेंगे विचार को, अभी नहीं। उस विचार को हम हटाएंगे, बोलेंगे अभी नहीं, अभी हमें विचार नहीं करना, कोई आवश्यकता नहीं है उस विचार की, मैं श्वास देखने के लिए बैठी हूँ, मुझे श्वास देखना है। तो सहज होना हमें ध्यान के लिए प्रस्तुत करता है, और सजग होना हमें ध्यान में ले जाना, सजग होना ही ध्यान में होना है, ताकि हम अपने प्रति, अपने आलंबन के प्रति अगर सजग हैं तो बिल्कुल हम उस आलंबन के प्रति एकाग्र रह पाएंगे। क्योंकि जैसे ही सजग हमारा आलंबन से हम हटे, हम जागरूक हैं, सजग हैं, तो हम निश्चित वापस उसी आलंबन पे लौट आएंगे, और धीरे धीरे ये सजगता हमारी हमें गहरे ध्यान के भीतर ले जाएगी, और हम इस बाहर के जगत से हटकर अपने भीतर की ओर प्रस्थान कर पाएंगे। सजगता का मतलब ये भीतर, भीतर यानी अपने चित्त, अपनी चेतना की ओर लौट जाना, जो हमारा अस्तित्व है, हमारा स्वभाव। अब दो बातें हमने जानी, सहजता और सजगता। जब ये दो बातें हमारे भीतर आती हैं तो हम धीरे धीरे इस अनुभव में घुस आने लग जाते हैं कि क्या है, सब आत्माएं समान हैं, जैसी मेरी आत्मा है वैसे प्रत्येक जीव की आत्मा। हमारे भीतर समता का भाव, ज्ञाता दृष्टा का भाव धीरे धीरे पुष्ट होने लग जाता है, हम तटस्थ होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही हम भीतर जाएंगे, हम अपने स्वभाव में जाएंगे, हम अपनी आत्मा की ओर जाएंगे, तब हमें धीरे धीरे इस संसार की व्यर्थता समझ में आने लग जाएगी। मैं कल जिस चीज के लिए दौड़ रहा था, आज वो चीज मुझे मिल गई, क्या हुआ? मैं जिस खुशी के लिए, जिस सुख के लिए दौड़ रहा हूं इस संसार में, क्या वो सुख मेरा टिका रहा? जैसे ही वो इच्छा पूरी हुई, हम देख रहे हैं 10 दूसरी इच्छाएं हैं, कब तक इनके पीछे दौड़ते रहेंगे? ये तो आकाश के समान अनंत है, कब तक इनके पीछे दौड़ते रहेंगे? जैसे जैसे हम स्वयं के प्रति सजग होंगे, अपनी चेतना के प्रति सजग होंगे, हमारे भीतर समता का भाव, ये संसार की जो कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, ये धीरे धीरे हमें ये बताएंगी कि इतना किया क्या मिला, क्या वो टिकी? तो भविष्य में और इतनी इच्छाएं करेंगे, उन्हें पूरा कर लेंगे, क्या मिलेगा? क्या उनसे सुख टिकेगा हमारा? ये खुद हमारे भीतर अपने आप प्रश्न उठने लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे चित्त के प्रति जागरूक होंगे, कर्म हटेंगे, हमारा ज्ञान प्रकट होगा, हमारी शक्ति प्रकट होगी, हमारा आनंद प्रकट होगा, और निश्चित रूप से हम इस अनुभव में उतरेंगे ही उतरेंगे कि कब तक इन भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ेंगे, कब तक इस संसार की कामनाओं के, वासनाओं के विषय के पीछे दौड़ते रहेंगे? जब अब तक नहीं मिलेगा तो क्या गारंटी है भविष्य में मिलेगा? अगर हम आत्मवादी है तो निश्चित हम जन्मों को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, है ना? अनंत जन्मों की यात्रा चल रही है, क्या तृप्त हुए हैं? आज भी वही इच्छाएं, आज भी वही कामना है, आखिर कब तक मैं उस चीज को, उस ऐसे सुख को प्राप्त करूंगी जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, जिसके लिए मुझे रोज एक नई दौड़ नहीं लगानी? हम क्या है, हम, आप यकीन करिए, हम सटल लाइफ चाहते हैं, हम चाहते हैं एक जगह ऐसी है जहां हम रुक जाएं और हमारा सुख हमेशा के लिए हमें मिल जाए, पर होता नहीं है। रोज एक नई इच्छा, रोज एक नई, क्या करते हैं हम, रोज एक नया कुछ सोचते हैं कि अब ऐसा करेंगे तो हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, फिर असफल होते हैं, फिर एक नया,
रोज एक नया चिंतन, नई बात, नया प्रयोग अपने साथ करते रहते हैं, लेकिन चाहते क्या है, हम सटल होते हैं। हमें एक एक ऐसी चीज मिल जाए, एक चमत्कारी कोई मंत्र मिल जाए या कोई ऐसी प्रक्रिया मिल जाए जो हमेशा हमेशा के लिए हमें सुखी कर, लेकिन फिर भी क्या है, हम नई चीज को अपनाने में डरते हैं। हम चाहते हैं बस एक मिल जाए, उसे हम करते रहें करते रहें करते रहें, बस एक मिल जाए हम। नहीं, आप सोचिए, हम हमेशा क्या करते हैं, पास्ट को रिपीट करना चाहते हैं। हाँ, मुझे ऐसा मिला, मैं फिर उसे करूं, लेकिन फिर हमें हार मिलती है ना। कल ऐसा किया था, ऐसा हुआ, लेकिन आज ऐसा कर रही हूं, ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर चीज, ये जो संसार है, प्रतिक्षण बदल रहा है। ईच एंड एवरी मोमेंट हम स्वयं बदल रहे हैं, हमारे अपने भाव, विचार, कर्म, सब कुछ चेंज हो रहे हैं, है ना। और ये संसार भी, क्योंकि पुद्गल का तो स्वभाव ही है परिवर्तन। ईच एंड एवरी मोमेंट बदल रहा है, इसलिए ईच एंड एवरी मोमेंट हमें भी अपडेट रहना होता है। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे पे निर्भर हूं, मैं पदार्थ से सुख चाह रही हूं, पदार्थों के प्रति आसक्ति है, पदार्थों से जुड़कर मैंने अपने जीवन को सोचा है, विचारा है, और उसका मैंने परिकल्पना की। तो ये सब परिवर्तनशील है। कभी स्थिरता नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं। स्थिरता कब मिलेगी? जब हम अपनी आत्मा में जाएंगे, क्योंकि वो मेरा अस्तित्व है जो अनंत काल से मेरे साथ है। अगर मैं उसके स्वभाव में स्थित होती हूँ तो निश्चित रूप से मुझे स्थिरता भी मिलेगी, और जो मेरा स्वभाव है, आनंद, मैं अपने स्वभाव में आऊंगी। तो इसलिए समता की साधना अपने स्वभाव की साधना है। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, शक्ति और आनंद, ये मेरा स्वभाव है। और आप यकीन करिए, हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं संसार में, उन तीनों के, उन क्रियाओं के पीछे सिर्फ ये तीन ही लक्ष्य होते हैं, या हम ज्ञान पाना चाहते हैं, या शक्ति, या आनंद। और अल्टीमेट तो हम आनंद ही पाना चाहते हैं, पर आनंद पाने के लिए पहले ज्ञान यानी जानना होगा, उसके बाद शक्ति को अर्जित करके उस जाने हुए सत्य में शक्ति को नियोजित करना होगा, तब हमारा आनंद प्रकट होगा। वो आनंद जो कभी नष्ट नहीं होगा, वो हमारा स्वभाव होगा। तो ध्यान का मतलब है सहज होना, सजग होना, और संभाव प्रकट होगा। संभाव की साधना, समता की साधना, वो ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी अगर हम अपने प्रति सजग होंगे, सहज होंगे। तो आइए, आज हम कुछ डिफरेंट तरह से ध्यान करेंगे। हम सबसे पहले अपने प्रति सहज हो जाएंगे, बिल्कुल सहज हो जाइए। तो आप जिस पोस्चर में सहज रूप से बैठ सकते हैं, जहां आपका शरीर आपको रुकावट न दे, बाधा उत्पन्न न करे, उस आसन का आप चुनाव कर लें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, सहज। भीतर जगत में प्रवेश करना है, इसलिए बाहर के जगत से आंखें मूंद लीजिए। जी हाँ, आंखों को कोमलता से बंद करें, ये अनुभव करते हुए कि मैं अब बाहर के जगत से डिस्कनेक्ट हो रही हूं, बिल्कुल बाहर के जगत को छोड़ दिया मैंने, सहज हो जाएं, बिल्कुल सहजता से आसन और मुद्रा का चुनाव। आप जिस भी मुद्रा में बैठना चाहें, कोई आप पे पाबंदी नहीं है आज, बिल्कुल रिलैक्स, सहज सहज। ध्यान करने के लिए हमारे पास जो साधन है, वो है हमारा अपना शरीर। शरीर की चंचलता हमें बाहर के जगत से जोड़ती है, तो इस शरीर की चंचलता को बिल्कुल 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 स्टॉप करना है, बिल्कुल स्थिर होना है, शरीर को एकदम स्थिर कर लीजिए। इसलिए पहले सहज करिए शरीर को, सहजता से बैठे, कुर्सी पर खड़े होकर, कोई भी आसन, कोई भी मुद्रा, रिलैक्स बिल्कुल शरीर को। आंखें बंद हैं आपकी, बंद आंखों से इस शरीर का निरीक्षण करें, देखें और उसको स्थिरता का सुझाव दें, स्थिर हो जाए, बिल्कुल एक मूर्ति बन जाए। जितना आपको समय लगे समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्थिर, बिल्कुल स्थिर, सहज हो जाएं, कंधों को ढीला छोड़ दें, सहज होने में सुविधा रहेगी।
बिल्कुल सहज, शरीर एकदम स्थिर, प्रतिमा की भांति स्थिर। फिर कोई हलन चलन, केवल शरीर की स्थिरता को साधें। स्थिर, कोई हलन चल कहीं न हो, स्थिर, एकदम स्थिर। पूरी जागरूकता से नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे शरीर को ढीला छोड़ते चले जाओ। स्थिरता है लेकिन अकड़न न रहे कहीं भी, बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को। स्थिरता और शिथिलता को साधें। आप स्वयं एक ध्यानस्थ प्रतिमा के रूप में स्थित हो जाएं। एक प्रतिमा ध्यान में स्थित है। स्थिरता, स्थिरता, कोई हलन चलन नहीं। स्थिरता, स्वयं को स्वयं से देखें, आप एक मूर्ति की तरह हो गए हैं, बिल्कुल मूर्तवत। श्वास को देखें, श्वास की गति सूक्ष्म हो गई है, एकदम मंद हो गई। धीरे धीरे अनुभव करें, श्वास सूक्ष्म होता जा रहा है। मंद हो रहा है, सूक्ष्म हो रहा है। इतना सूक्ष्म हो गया है श्वास कि उसके प्रकंपन तक भी शरीर पर उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। श्वास के प्रकंपन भी इस स्थूल शरीर पर उत्पन्न नहीं हो रहे, केवल भीतर सूक्ष्म श्वास की प्रक्रिया चल रही। पूरी सजगता, जागरूकता बनी रहे। स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता, कायिक ध्यान, चित्त पूरे शरीर पर केंद्रित रहे, शरीर की स्थिरता, शिथिलता और शरीर के प्रति जागरूकता।
एक ध्यानस्थ प्रतिमा, धर्म ध्यान में स्थित, न राग न द्वेष, केवल अपनी चेतना के प्रति जागरूकता, अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता। अपने प्रति पूर्ण सजग, स्वयं को वीतरागता की प्रतिमूर्ति के रूप में अनुभव कर, वीतरागता की प्रतिमूर्ति। स्थिरता, शिथिलता, सजगता, कायिक ध्यान, कायोत्सव, स्वयं स्वयं को देखिए। आपका शरीर जो वीत रागता की मूर्ति बना हुआ है, वो आप नहीं। मैं दृष्टा और मेरा शरीर दृश्य। स्वयं स्वयं के शरीर को देखे, मूर्ति की भांति स्थिर शरीर, ये शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं।
मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप। अपने समक्ष अपने शरीर को देखे, शरीर ये मैं, ये जो स्थिर शरीर पड़ा हुआ है, जिसमें कोई हलन चलन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भाव, मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं इस शरीर को देखने वाला, जानने वाली चेतना, जितनी जितनी इस स्थूल शरीर की स्थिरता सधती है, चेतना की शक्ति बढ़ती चली जाती। कारमण शरीर प्रकंपित होकर अलग होना शुरू हो जाता है, चेतना की शुद्धता प्रकट होनी शुरू हो जाती है। जितनी गहरी स्थिरता, जितनी गहरी सजगता, उतनी ही चेतना के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। अपने अस्तित्व की झलक मिलेगी। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव हो। अपने स्वभाव का अनुभव हमारे जीवन को बदल देने वाला। हमारी आध्यात्म की यात्रा प्रशस्त होने लगेगी। पूरी सजगता, जागरूकता, पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर में चित्त और प्राण की यात्रा करें। नीचे से ऊपर,
ऊपर से नीचे चित्त की यात्रा करो, अनुभव करें शरीर के कण कण में चैतन्य जागृत हो गया है। शरीर के कण कण में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। शरीर के प्रति जागरूक हो जाए, शरीर के कण कण में प्राण का अनुभव करें। पूरे शरीर में चैतन्य जागृत हो गया, कण कण प्राण से भरा हुआ है। स्वयं को ऊर्जा से भरा हुआ अनुभव कर। रोम रोम प्राण से आप्लावित है, कण कण में चैतन्य समाया हुआ है। दो तीन दीर्घ श्वास लें। कण कण में शक्ति और आनंद से भरे हुए वर्तमान में लौट आए। चेहरे पे स्निग्ध मुस्कान लिए हुए, आनंद ही आनंद, शक्ति से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ। ये ऊर्जा, ये आनंद पूरे दिन मेरे साथ बना रहे। ये शक्ति, ये आनंद मेरे जीवन की यात्रा को, मेरे प्रत्येक कार्य में मुझे सफलता देंगे, संतोष देंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, सभी मेरे साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे एक बार। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यम्, वंदे सत्यम्। वंदे प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। कृतज्ञ हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। ओम शांति। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया हमें हमारे अंदर समता के भाव कैसे विकसित होने चाहिए। हम देखते हैं कई भाई बहनों को सामायिक तो ले लेते हैं, 48 मिनट का त्याग भी कर देते हैं, लेकिन शरीर से स्थिर हो जाते हैं। बाहर से दिखते हैं वो स्थिर है, लेकिन उसके उनके मन में कुछ ना कुछ हमेशा चलते रहता है। तो आपने जो बताया कुछ न करना ही ध्यान है, ये बहुत सुंदर बात आपने बताई आज। कुछ न करना, शरीर से स्थिर होना, मन भी स्थिर होना चाहिए।
समय पचक लेते हैं, लेकिन बाद में मन में चिंतन करना होते रहता है, कब समय पूरी हो, कब जाऊं, कब मेरे आज ये काम करना है, वो करना है, इसको पेमेंट देना है, बैंक में पैसे कैश भेजनी है, ये सब हमारे मन में चलते रहता है और हम सोचते रहते हैं कब हमारी समय संपन्न हो, बार बार घड़ी की ओर देखते रहते हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए कि हम जब समय पचक के बैठते हैं आंखें बंद करके, जब आंख खुले तो लगे कि समय कब की हो गई, हमें पता ही नहीं चला। ये वो सही समय होती है जो बिल्कुल हम अपने आप में तल्लीन हो जाए, समय कैसे बीत जाए। तो आज ठीक उसी तरह से आपने प्रयोग कराया, 30 मिनट का प्रयोग कैसे हो गया हमें पता भी नहीं चला, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। तो अभी आपके कोई प्रश्न हो तो आप बात कर सकेंगे, मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ अभी। मैम मैम, हमें ध्यान में हमें जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं वो फॉलो कर रहे हैं वो ध्यान है, ये हम आप क्या बोल रहे हैं वो ही पता नहीं वो ध्यान है। जब हम गहरे कायोत्सर्ग में चले जाते हैं ना, तब हमारा शरीर भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता है। तो अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शन नहीं सुन रहे हो, ध्यान में चले गए हो, तो बिल्कुल ठीक है, वो गलत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ऐसी बहुत बार ऐसी स्थिति आती है जब हम डीप में चले जाते हैं तो हमें कुछ भी आभास नहीं होता है, जो कुछ भी आपने क्या कहा हमें सुनाई भी नहीं देता है, ऐसा होना ये सही ध्यान में डीप में जाना जाने का लक्षण है ये, तो इसमें कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छा है ये, बढ़िया है। अशोक जी ने अपने आप को अनम्यूट किया, अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, बस आज जो चीज बताई कि अपन एक तो इरादा पूर्वक ध्यान करने की कोशिश करते हैं और एक सहज रूप से ध्यान कर सकते हैं, तो अपने जो सहज रूप से जो भाव उत्पन्न हो सकते हैं वो बहुत बड़ी चीज होगी। चंदू जी ने अपने आप को, चंदू जी दुगड़ सर, जैसे अभी मंजू जी ने बताया कि है ना, मतलब एकदम सहज रहना चाहिए, मतलब कोई नहीं हलचल, लेकिन कभी कभी क्या होता है जैसे कमर का या कुछ गर्दन का जैसे प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर कहते हैं कि आप थोड़ा सा अपना अपना आप आसन चेंज कर लो, तो जैसे वो समाइक में अंदर हम करते हैं तो क्या फिर वो सही है फिर? नहीं देखिए, वो तो आपके शरीर की अक्षमता है तो आपको करना ही होगा, क्योंकि आप जबरदस्ती जहां भी करोगे, आप अगर सहज नहीं रह पाते हो तो हम ध्यान में जा ही नहीं पाएंगे, है ना, और नहीं संभाव में जा पाएंगे, दोनों ही बात है। संभाव हमारा सहज स्वभाव है, बाकी चीजें हमने आरोपित कर रखी है अपने ऊपर। आत्मा में राग द्वेष नहीं है ना, संभाव ही है, तो संभाव तो हमारा स्वभाव है, हम विभाव में जी रहे हैं और उसका कारण हमारा शरीर, हमारे कर्म, अल्टीमेट कर्म ही है जो आपको शरीर में बीमारी भी दे रहे हैं। तो बिल्कुल, लेकिन हम यही है कि अगर हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं ना, फिर हमें इसका आभास नहीं रहता दर्द का भी। तो क्या कहते हैं जैसे एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं ना, जैसे 1 घंटा जो भी, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, थोड़ी देर आप चेंज कर लो अपने आप, थोड़ा सा मानो जो डॉक्टर बोलता है। लेकिन जैसा देखिए, गहरे ध्यान का जब अनुभव होता है तब हमें पता चलता है, जब हम ध्यान में चले जाते हैं ना तो क्या होता है, हमने अपने शरीर की पकड़ को छोड़ ही दिया, शरीर अब हमारे पास है ही नहीं। उसमें क्या होता है, उसमें होता नहीं है गलत कुछ। आपने सुना होगा बहुत सारे मुनिश्री कायोत्सर्ग में जाके ऑपरेशन करवा लेते हैं, होता है ना ऐसा, कैसे हुआ, हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ऑपरेशन में कोई आदमी एनेस्थेसिया के बाद सजग हो जाता है तो वापिस उसे क्या किया जाता है, वापिस उसे, यस, नहीं तो गड़बड़ कर देगा वो। तो गहरे ध्यान में हमें दर्द का अनुभव ही नहीं होगा, बस ध्यान उतरना चाहिए। मैंने सिर्फ उतरने का तरीका बताया कि हम सहज होएं और सजग रहें, यही ध्यान है बस। एक बार मेरे जहाँ दिमाग में आती है, कोई जरूरी नहीं हम 1 घंटे का ही ध्यान करें, 5 मिनट अगर आप सही तरीके से बैठ सकते हो तो 5 मिनट का ध्यान भी बहुत काफी है। 5 मिनट आपने ध्यान कर लिया, 5 मिनट आप आराम से बैठ गए, 5 मिनट का बिल्कुल शुद्ध तरीके से आपने अगर ध्यान किया, वो 5 मिनट ही उपयोगी होगी। और आप 1 घंटा बैठो लेकिन आप मन में कुछ भी चलता रहे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं, वो 5 मिनट 1 घंटा से ज्यादा आपको कारगर होगा जो आप सही तरीके से करोगे। कमल जी भूतोड़िया हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत अच्छा बताया, सहजता, सजगता और समानता, क्यों सब, अब जैसे जैसे मैं भी अभी समताल परीक्षा कर रही हूँ तो मतलब अब मन में वो समानता वाली भावना भी आ रही है, सहजता वाली भी आ रही है कि जो कोई भी बोल रहा है तो बोलने दे, अपने आराम से अपने 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 जो अपने में रहने का
अपने स्वभाव में रहने वाली प्रवृत्ति अब जैसे जैसे जागृत हो रही है, बहुत अच्छा अच्छी बात। देखिए, आप जो बात कर रहे हो समताल परीक्षा, इसमें भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। श्वास को लेना है, रोकना है, छोड़ना है, फिर रोकना है। ये भी जो आज बात बताई, कुछ ना करना ध्यान है, जो सहज रूप से हो रहा है वो उससे भी उत्तम ध्यान है। आप कुछ श्वास को ले रहे हो, 5 सेकंड आपने रोका, किया आपने कुछ, छोड़ा वो भी क्रिया हुई, बाहर रोका वो भी क्रिया है। तो वो क्रियाएं चलती रहती है, उससे हमारा श्वास तो सही होगा, लेकिन जो बिल्कुल जो ध्यान की डीप में जो जाना चाहिए वो प्रक्रिया मेरे ख्याल से वहां नहीं हो पाएगी जब आप कुछ क्रिया कर रहे हो। जब आप ये क्रिया अपने आप स्वचालित होने लगेगी, अपने आप होने लगेगी, वो ध्यान होगा। एक बात कहना चाहूंगी मैं समताल श्वास के लिए, समताल श्वास केवल श्वास को सही करने की प्रक्रिया है, वो ध्यान नहीं है। और श्वास को क्यों सही किया जाए हम अच्छी तरह जानते हैं, 100 बार सुन चुके हैं कि श्वास का क्या महत्व है जीवन में, क्या महत्व है आध्यात्मिक जगत में। तो ये केवल ध्यान नहीं है समताल श्वास, ये केवल श्वास को सही बनाने की प्रक्रिया है। आप इस भ्रम में न रहे कि आप ध्यान कर रहे हो, नो, ये केवल श्वास को सही करने की प्रक्रिया है ताकि हम ध्यान में प्रवेश कर सके। ये केवल गेट है, ये दरवाजा है जहां आप बाहर खड़े हो, और दरवाजे पे आपको प्रिपेयर होना है, हाथ धोना है ना, मंदिर में जाते हैं हाथ धोते हैं, चप्पल उतारते हैं, वो वाली बात है। अभी मंदिर में प्रवेश की नहीं, तैयारी कर जो करते हैं हम, वही प्रक्रिया है ये, ध्यान में प्रवेश करने का तरीका है। श्वास हमारा सही हो जाए तो श्वास से पूरा जीवन कंट्रोल होता है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। बोलिए कमल जी भुतौड़िया। हाँ, वो ध्यान में जाने से थोड़ी देर के लिए जा पाते हैं, फिर विचार आने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, फिर जैसे आपने बताया कि श्वास पर वापिस आते हैं तो फिर वापिस कंटिन्यूअस आपकी आवाज कुछ देर तक समझ में आती है, कुछ देर ध्यान में भी जाते हैं, कुछ देर वापिस। देखिए मैं इसके लिए एक बात कहना चाहूंगी कि विचार आपने यहाँ इतने फीड कर रखे हैं अनंत 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 जन्मों से, अनंत जन्म की छोड़ दीजिए, इस जन्म में कितने विचार आपने यहाँ डाले हैं बताइए मुझे, गिन सकते हैं? तो जब अंदर है वो चीज बाहर आएगी, जैसे ही उसे अवसर मिलेगा, आप शांत होते हो तो विचारों को आना ही है बाहर, उसको समय मिल गया, अवकाश मिल गया, है ना? तो आ रहे उसके प्रति राग द्वेष नहीं लाना है, पर अगर आप जागरूक हो, आपने संकल्प लिया मुझे श्वास देखना है, तो आप अगर अपने संकल्प के प्रति जागरूक हो तो जैसे ही विचार आए आपकी जागरूकता है तो आप समझ लोगे कि अरे विचार आ गया ये, तो आप उस विचार को क्या कहेंगे? अभी नहीं। बिल्कुल प्यार से बोलिए, जैसे कोई व्यक्ति आपके घर में आ जाता है काम करते हुए, तो आप क्या कहोगे? अभी टाइम नहीं है। तो विचार को भी बोलिए अभी टाइम नहीं है मेरे पास, वो बिल्कुल प्यार से बोलिए अभी नहीं, फिर वापस श्वास पे फोकस करिए। तो जो वो उस पर राग द्वेष लाने की जरूरत नहीं है, अब आपने अंदर डाला है तो बाहर निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, रिलैक्स रहिए, रिलैक्स, कोई जद्दोजहद नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, प्यार से। सुशील कुमार जी ने अपने आप को अनम्यूट किया, सुशील जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, आज आपने जो ध्यान को, ध्यान में और ज्यादा स्थिरता आए और गहराई में उतरे वैसा प्रयोग करवाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप आती है कुछ नया सीखने को मिलता है, सब तो, गुरुदेव की कृपा, मेरा कुछ नहीं है इसमें। और ये कमल जी जो है वो मेरे मित्र है, हमने साथ ही शिविर किया था लाडू में मार्च में। अच्छा। और आपका भी बहुत जिक्र करते रहते हैं ये आप, मंजू जी मेरे बहुत, मतलब ऐसे बोलते रहते हैं कुछ ऐसे, मतलब जी। रीता जी कुछ कहना है आपको, आप अनम्यूट कीजिए अपने आपको प्लीज। रीता जी, यस, आपने कहा आधा घंटा हो गया तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि रेल में, मतलब निर्विचार हो गई मैं एकदम, अच्छे से ध्यान हुआ। मंजू जी सिपानी का पहले भी मैं की हुई हूँ, तो रेल में मालूम ही नहीं पड़ा कि आधा घंटा कैसे बीत गया, बहुत अच्छे से ध्यान हुआ सर, बहुत बढ़िया। मैं एक बात कहना चाहूंगी, अभी जब मैं गई थी अधिवेशन के लिए बॉम्बे, तो गुरुदेव से जब पूछा गया कि हमारे चंचलता रहती है क्या करें, तो गुरुदेव ने एक ही बात कही कि पहले शरीर की स्थिरता साधो, बाकी अपने आप सध जाएंगे। तो उस दिन से मैंने भी घर आके विशेष रूप से इस चीज पे फोकस किया और मैंने अनुभव किया, तो मुझे लगा मैं आज आप लोगों के साथ भी इस चीज को शेयर करूं। ओ मैडम, तो ध्यान में शब्दों का कोई महत्व नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं,
असली महत्व है कि हम क्या कर पा रहे हैं। आप तो रियल में बहुत अच्छा ही करवाते हैं मंजू जी, खुद बहुत ही अच्छा बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब विवान के नाम से बहन जी जुड़ी हुई, विवान जी अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। हाँ बोलिए। सादर जय जी ने दे, मंजू जी आपका प्राय में ध्यान जो आप करवाते हो, काफी लंबे टाइम से मैं आपका कर रही हूँ। खूब कराने का आपका तरीका, प्रॉपर तरीके से, आप तो मंजे हुए खिलाड़ी हो। बहुत ही सुंदर और सुचारू रूप से आप करवाते हो। खूब खूब धन्यवाद। सुचेता जी बोलने से पहले क्या आप सभी ने तो इतना अच्छा बोला है, तो मैं भी वही बोलने वाली थी। जब भी मैं इतना ध्यान में उतर जाती हूँ कि जो सामने वाला कुछ कह रहा है, जो भी ध्यान ले बोल रहा है, वो ध्यान सुनने में नहीं आता है। बाद में थोड़ा सा सजग हो जाती हूँ तो ऐसे लगता है कि अरे उन्होंने क्या बोला होगा, क्या इंस्ट्रक्शन दिया होगा, ऐसे लगता है। थोड़ा सा विचार आ जाता है, फिर ध्यान में चली जाती हूँ। वितरागता तो आती है, जैसे मैं मुझे ही वितराग प्रतिमा मानती हूँ। और आपका करवाना तो बहुत सुंदर है मंजू जी, शब्द ही नहीं है इसके लिए। मेरे इस सारे धन्यवाद के हकदार भाई साहब हैं, जिन्होंने जो मुझे अवसर देते हैं यहाँ आने का। निर्मला जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। निर्मला जी बोलिए। बोलिए। हेलो। हेलो मंजू भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, थोड़ा सा आप चित्त के बारे में बताएं। देखिए, चित्त हमारी चेतना ही है। वो चेतना जो आप शरीर के स्तर पर अनुभव करते हो, वही चित्त है। चित्त ही चेतना, चेतना ही चित्त है। यस, चेतना ही चित्त है। पूरी चेतना तो बाहर प्रकट नहीं हो रही है, क्योंकि कर्म है। तो जो चेतना शरीर के स्तर पर प्रकट हो रही है आपकी, वही चित्त है। ठीक है, ठीक है भाई। बहुत सुंदर चर्चा सत्र भी हमारा बहुत शानदार चल रहा है। बहुत सी बातें हमें इसमें जानने को मिल रही है। देखिए, आपसे अगर पूछा जाए आप कौन है, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? मैं सुचेता हूँ, मैं मंजू हूँ, है कि नहीं? यही बोले कहेंगे ना। मैं कहूंगा मैं आनंद बल सेठिया हूँ। तो क्या ये वास्तव में सही परिचय है आपका? नहीं, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा, ये परिचय। इससे हम अपने इस शरीर को पहचान सकते हैं। हमारे शरीर, हमने न जाने कितने भाव में कितने शरीर धारण किए, कितने नाम हमें मिले होंगे, कितने नाम इस भाव में। मैं आप सुचेता जी है, हो सकता है इसके अपने भाव में आपने और कोई नाम से जन्म लिया होगा। भगवान महावीर का जब हम पढ़ते हैं तो उनके भावों के बारे में तो उनके जानकारी मिलती है हमें। तो हमारा परिचय है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। हमारा परिचय ये है, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। नाम से हमारे इस शरीर को पहचाना जाता है। आज जो हमें शरीर मिला हुआ है, इस शरीर की पहचान है सुचेता। सुचेता कहेंगे तो आपका चेहरा दिखेगा, आपकी छवि मेरे ध्यान में आएगी। मंजू जी नाम लूंगा तो मेरे को मंजू जी की छवि दिखेगी, मंजू जी मेरे दिमाग में उनका चित्र उभरेगा। तो ये शरीर है, इसका परिचय है। हमारा असली परिचय है मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध है। और आत्मा के ऊपर जो आवरण आया हुआ है, उस आवरण को हटाने के लिए ध्यान की प्रक्रिया सबसे बढ़िया प्रक्रिया है। इसे हम नियमित ज्यादा से ज्यादा करते रहे। जितना ज्यादा करेंगे उतना ही हमारा कार्बन शरीर जो है बिल्कुल उस ऊपर आवरण हटेंगे और हमारी चेतना जागृत होगी। हम ज्यादा से ज्यादा अपने अंतर्मुखी होकर अपने आप में स्थित हो पाएंगे। तो तभी समय हमारा संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का साक्षात्कार हो रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ
ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। और हम विमला जी पटावरी ने अपना वीडियो ऑन किया, कुछ कहना है विमला जी आपको? आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, नहीं तो हम स्लोगन के साथ समापन करेंगे। तो सर मैं कहना चाहती हूँ थोड़ा सा। बोलिए। बहुत बहुत आभार आपका मैम, जो एक एक शब्द बताते हैं इतनी सरल भाषा में सीधा उत्तर जाता है भीतर, एक एक चीज सीखने योग्य है हमारे लिए। और आज जो ध्यान करवाया मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे क्या बोल रहे हैं क्या कर रही हूँ, अब मुझे यूट्यूब पे सुनना पड़ेगा ओम इतना अरहम ओम अर संतोष जी, सुन। पिछले शुक्रवार को आपने भी जो ध्यान करवाया था, बिल्कुल अभी भी हमें आपका कराया हुआ ध्यान की याद आ रही है। आपने भी कितने सुंदर तरीके से पिछले शुक्रवार का वीडियो, जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देखिएगा, संतोष जी ने जो ध्यान करवाया था कितना शानदार ध्यान करवाया था। बिमला जी पटावरी, कुछ कहना है आपको? अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है बिमला जी, 1 मिनट हम समय ले सकते हैं, अभी है समय हमारे पास। यस जय जिनेंद्र साहब, मंजू भाई की मैं बहुत आभारी हूँ। मैं शिविर में भाग लेके मेरे को बहुत आनंद की अनुभूति हुई, और मैं कई सालों से मन था शिविर में भाग लूँ, और भाग लेके मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। और मैं ध्यान में ज्यादा विश्वास करती हूँ और मैं प्रयोग भी करती हूँ, और अभी लंबा ध्यान करके मेरे को बहुत आनंद की अनुभूति हुई है, मैं आगे भी करना चाहती हूँ। ओम आराम। चलिए समय हमारा संपन्न हो रहा है, अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करेंगे। अशोक जी बोलिए। फिटनेस का एक साथ में उच्चारण करेंगे, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज रोज। ओम आराम ओम आराम। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं।